दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे मूंग दाल का चीला। ये सुबह नाश्ते के लिए अच्छा रेसिपी है। मूंग दाल सेहत के लिए अच्छा रहते ये एक हेल्थी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप मूंग दाल लिया है। उसको पानी डाल के अच्छी तरह धो के फिर पानी डाल के 2 घंटे के लिए रख लिया है। 2 घंटे के बाद उसको पानी निकाल के मिक्सर जार में डाल के मिर्ची, जीरा, अदरक और नमक डाल के बारीक पीस लीजिए। इसका बैटर डोसा का बैटर जैसा बनना चाहिए। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर, स्प्रिंग ओनियन, कैप्सिकम और धनिया लिया है। सभी को एक बाउल में डाल के अच्छी तरह मिक्स करके रख लिया है। अब गैस के ऊपर एक पैन रख के गरम करके उसको थोड़ा सा तेल लगा के उसके ऊपर बैटर डाल दीजिए। बैटर को उत्तप्पा जैसा थोड़ा सा मोटा डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर काटा हुआ सभी सब्जी डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ऑयल लगा के ढक के पका लीजिए। 3-4 मिनट के बाद ढक्कन हटा दीजिए। अभी चीला एक साइड से अच्छी तरह पक गया है। अभी उसको पलट के 2-3 मिनट और सेक लीजिए। थोड़ा सा ऑयल डाल के सेक लीजिए। बाद में चीला को निकाल दीजिए। अभी गरम गरम मूंग दाल का चीला खाने के लिए तैयार है। उसके ऊपर मायनीज नहीं तो सॉस लगा के गरम गरम खा लीजिए। ये रेसिपी कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नया रेसिपी आपको पहले मिले। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।